नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा में हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों, सैन्य कर्मचारियों, राज कर्मचारियों और सारे पेंशनर्स भाइयों के लिए। दोस्तों, अभी भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ, अभी अभी हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों, सैन्य कर्मचारियों, राज कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा तोहफा। यस, केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए होली से पहले तोहफा दे दिया है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें पता चल सके आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, आज की बड़ी खबर के लिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है। दोस्तों, अभी अभी कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया गया है। जी हाँ, डियरेंस अलाउंस में 3% का इजाफा किया गया, मतलब केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12% कर दिया है। जी हाँ, अब आपका महंगाई भत्ता डिक्लेयर हो गया 12%। इस लिहाज से पहले मिलने वाला 9% महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2019 से 12% हो जाएगा। सरकार के इस फैसले का लाभ 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश के खजाने पर 9168.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जैसा कि इससे पहले मैं एक वीडियो में आपको बताया था, जनवरी 2019 का महंगाई भत्ता फाइनल हो गया जिसका आज कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी और यह फैसला 1 जनवरी 2019 से लागू होगा, जिसका लाभ 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि न्यूज़ आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर बताएं और मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।